आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज़ चैनल, मैं हूं आपके साथ महक। नीमच शहर के प्रमुख बंगला बगीचा समस्या समाधान के बाद भी उलझी हुई है। प्रश्न अधिकारियों कर्मचारियों ने इस समस्या के समाधान को नियमों के जाल में ऐसा उलझाया कि समस्या आज भी यथावत बनी हुई है। देखिए रिपोर्ट। आज से 5 साल पहले 2017 में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने बंगला बगीचा समस्या का निराकरण किया था। इसके 1 साल बाद व्यवस्थापन बोर्ड का गठन किया गया था। इस बोर्ड के माध्यम से 16,000 आवेदकों की समस्याओं का निराकरण किया जाना था, लेकिन 4 साल की अवधि में बोर्ड तक महज 1,970 आवेदन ही पहुंचे हैं। इनमें से भी नाममात्र के प्रकरणों का निराकरण हो पाया है। शेष आवेदकों को अब भी निराकरण की आस है। जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों ने अपने फायदे के लिए जनता को नियमों के जाल में ऐसा उलझाया कि लोग व्यवस्थापन के लिए आवेदन ही जमा नहीं करा रहे हैं। गत दिनों कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने भी व्यवस्थापन की इस धीमी रफ्तार को बढ़ाने के लिए नगरपालिका के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। नीमच से महावीर सैनी की ये रिपोर्ट। तो ये था आपका अपडेट। लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।